स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक चर्च है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ये जगह दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए हॉली लैंड है। एक मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम को मानने वालों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। और एक दीवार है जिसे यहूदी अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा मानते हैं, और कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ। ये तीनों पवित्र जगह एक ही शहर में या एक ही कंपाउंड में स्थित है, और उस जगह का नाम है जेरूसलम। दोस्तों, जेरूसलम एक ऐतिहासिक शहर है जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों के बीच बंटा हुआ है। यही वजह है कि हजारों सालों से लेकर अब तक इस शहर पर कब्जे के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, और इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले भी और जो शामिल नहीं है वो भी अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से इस लड़ाई में अपनी साइड सेलेक्ट करते आए हैं। जेरूसलम आज एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और फिर से पूरी दुनिया दो पार्ट में बंट गई है, एक जो इसराइल के साथ है और दूसरा जो पैलेस्टाइन के साथ है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट शहर यानी कि जेरूसलम के उस इतिहास को समझने वाले हैं जो उसे विश्व का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शहर बनाता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा। और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जेरूसलम के इतिहास से पहले जेरूसलम और यहाँ पे लोकेटेड सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। देखिए, ईस्टर्न जेरूसलम में लोकेटेड ये टेम्पल माउंट एक हॉली कंपाउंड है जिसमें करेंटली अलक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और एक हॉली वॉल लोकेटेड है। देखा जाए तो अलक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक मुस्लिम्स और हॉली वॉल ज्यूज के लिए इम्पोर्टेंट साइट है, लेकिन कई ज्यूज वॉल के अलावा बाकी की साइट्स पर भी अपना दावा पेश करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। खैर, जेरूसलम दुनिया के तीन मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए एक हॉली साइट है। दरअसल अब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब वो धर्म है जिनके लिंक्स अब्राहम से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो अब्राहम का जिक्र ज्यूज के रिलीजियस बुक हिब्रू बाइबल में, इस्लाम के कुरान में और क्रिश्चियंस के बाइबल में भी मिल जाता है। हिब्रू बाइबल के हिसाब से माउंट मोरिया में ही अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका गॉड से कनेक्ट हुआ। इसी माउंट मोरिया को ज्यूज हॉली ऑफ द हॉलीज बोलते हैं, और ये क्लेम करते हैं कि माउंट मोरिया टेम्पल माउंट कंपाउंड में लोकेटेड डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। हिब्रू बाइबल में यहाँ के टेम्पल माउंट को फर्स्ट टेम्पल बोला जाता है, जिसे किंग सोलोमन ने 950 BC में बनवाया था। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम शहर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिश्चियंस में ये मान्यता है कि इसी शहर में जीजस का रेजरेक्शन हुआ, जहाँ पर आज इनकी वन ऑफ द होलीस्ट साइट चर्च ऑफ द होली स्पेलकर लोकेटेड है। देखा जाए तो चर्च टेम्पल माउंट से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और पहली बार लगभग 335 AD में बनवाया गया था। दोस्तों, इस्लाम की बात करें तो उसमें मान्यता है कि जेरूसलम धरती पर वो आखिरी जगह थी जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बुराक नाम के क्रिएचर की हेल्प से ओवरनाइट विजिट किया, और यहाँ से वो 7th century में जन्नत यानी कि हेवन की ओर गए। वो जगह जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत की ओर गए वो टेम्पल माउंट कंपाउंड में लोकेटेड है, जहाँ डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क है। अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद थर्ड होलीस्ट साइट है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS Live Prelims to Interview 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखा जाए तो जेरूसलम का पूरा मुद्दा इसे रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अराउंड लोकेटेड है। हजारों सालों के डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन के बाद इस टेम्पल माउंट में जो कुछ बचा उसी के ओनरशिप को लेकर विवाद है। जेरूसलम के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस 4th millennium BC यानी 4000 BC में एग्जिस्टेंस में आए नोमेडिक सेटलमेंट्स का दावा भी करते हैं। बिब्लिकल अकाउंट्स की माने तो लगभग 1000 BC में किंग डेविड ने जेरूसलम को कैप्चर किया और इसको ज्यूइश किंगडम का पहला कैपिटल बनाया। देखा जाए तो हिब्रू बाइबल किंग डेविड के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें इजरायली ट्राइब्स को यूनाइट करने
और इसराइल के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट द आर्क ऑफ कोवेनेंट को इजिप्ट से जेरूसलम लाने का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों आर्क ऑफ द कोवेनेंट एक गोल्ड प्लेटेड वुडन चेस्ट या बॉक्स है जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें गॉड के द्वारा मोसेस को दिए गए दो प्लेट्स हैं जिनमें 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं। देखा जाए तो इस आर्क को रखने के लिए डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया जिसे हम टेम्पल माउंट या हरमल शरीफ के नाम से भी जानते हैं। खैर टेम्पल माउंट को 586 या 587 BC में बेबीलोनियन किंग नेब्यूकदनेज़र II ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इस टेम्पल माउंट को बाद में ज्यूज ने 516 BC में दोबारा से बनवाया जिसे सेकेंड टेम्पल बोला गया, लेकिन आर्क ऑफ द कोवेनेंट यहाँ से गायब हो गया था। 516 BC से 17 AD तक सेकेंड टेम्पल एग्जिस्टेंस में रहा, लेकिन 70 AD में जब जेरूशलम रोमन वॉर हुआ तब इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जूडाइज्म में आज भी मान्यता है कि यहीं पर थर्ड और फाइनल टेम्पल बनाया जाएगा जब उनके मसाया फिर से धरती पर जन्म लेंगे। खैर 1st century से 7th century तक इस एरिया में रोमन एम्पायर के कंट्रोल के चलते क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैली और धीरे धीरे यहाँ का मेन रिलीजन बन गया। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट को यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों कॉन्स्टेंटीन ने यहाँ लोकेटेड चर्च ऑफ द हॉली स्पेलकर को भी 336 AD में कंस्ट्रक्ट करवाया था। 610 AD में सैसनिड एम्पायर ने बिजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर को खदेड़ दिया जिसके बाद यहाँ पर फिर से सदियों बाद ज्यूइश कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ जिसे सैसनिड ज्यूइश कॉमनवेल्थ भी बोला जाता था, लेकिन ये कॉमनवेल्थ कुछ ही सालों तक एग्जिस्ट किया और बिजेंटीन रूलर ने जेरूसलम को फिर से कैप्चर कर लिया। 637 AD में अरब्स ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ जेरूसलम में इस्लाम का रोल। दोस्तों के रिकॉर्ड के हिसाब से रशीदुन कैलिफ उमर ने यहाँ के अल अक्सा मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जिसको फिनिश बाद में उमैयद कैलिफ अल वालिद ने किया। फिर 691 AD में टेंपल माउंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनवाया जाता है जिसको हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। इसको कैलिफ अब्दाल मलिक ने बनवाया था और इस डोम का गोल्डन कलर 1920 में एड किया गया था। खैर इस अरब कंट्रोल के बाद टेंपल माउंट को नोबल सेंचुरी या फिर हरम अल शरीफ बोला जाने लगा। दोस्तों उसके बाद क्रूसेड्स का दौर शुरू होता है जिसका मतलब है रिलीजियस वॉर्स। ये वॉर्स 1096 AD से 1291 AD तक चले जो मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच हुए। देखा जाए तो क्रूसेड्स 11th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किए जिसका पर्पज था मुस्लिम्स के एक्सपेंशन को रोकना, हॉली लैंड जेरूसलम को कैप्चर करना और पुराने क्रिश्चियन टेरिटरीज को रीस्टैब्लिश करना। 1095 से 1291 AD तक कई हॉली वॉर्स हुए जो सीरिया से लेकर स्पेन और बाल्टिक रीजन तक फैल गए। ये क्रूसेड्स 1291 के बाद भी कई सदियों तक चलते रहे, लेकिन 16th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंटिज्म के जन्म और चर्च के रिड्यूस्ड पावर की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गए। 1291 में क्रिश्चियंस को सीरिया रीजन से एक्सपेल कर दिया गया और कहते हैं कि 11th सेंचुरी के अंत तक लगभग 2/3 क्रिश्चियन टेरिटरीज को मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया जिसमें पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट और एनाटोलिया शामिल थे। दोस्तों क्रिश्चियन क्रूसेड्स को इनिशियली काफी सफलता मिली, लेकिन इस्लामिक स्टेट्स के ग्रोथ से कई बार ये रीजन मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया। फाइनली 14th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स का रैपिड राइज हुआ और खुद को एक्सपेंड करते हुए वो बाल्कन्स तक फैल गए। देखा जाए तो इन क्रूसेड्स में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये ह्यूमन हिस्ट्री के डार्क एज में कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों फिर 1516 में ऑटोमन एम्पायर जेरूसलम को कैप्चर कर लेता है जिसके रूलर सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने जेरूसलम में कई सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए जिसमें वो वॉल्स भी शामिल हैं जो आज भी ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम की बाउंड्रीज को डिफाइन करती हैं। ऐसा कहते हैं कि सुलेमान और बाकी के ऑटोमन रूलर्स के अंडर काफी सदियों बाद जेरूसलम में शांति आई जिसे एज ऑफ रिलीजियस पीस भी कहा जाता है, जहां ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स यानी कि सबको काफी रिलीजियस फ्रीडम थी। साथ ही ऑटोमन्स के अंडर ये रीजन इकोनॉमिकली भी काफी प्रॉस्परस हुआ और यहाँ पर कई सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आए जैसे कि पोस्टल सिस्टम्स, जाफा से जेरूसलम तक पक्के रोड और रेलवेज भी। लेकिन जब मिड 19th सेंचुरी से ऑटोमन्स का डिक्लाइन शुरू हुआ तो एक बार फिर से जेरूसलम में अराजकता के बादल छा गए जिनमें हुए चेंजेस ही मॉडर्न डे पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने। दोस्तों इसी दौर में यहाँ पर फर्स्ट वेव ऑफ ज्यूइश इमिग्रेशन हुआ जो एंटी सेमाइटिज्म और रशिया में हुए 1881 से 1884 के बीच के एंटी ज्यूइश रायट्स का रिजल्ट था, जिसकी वजह से जायनिज्म मूवमेंट का राइज हुआ जिसने एक ज्यूइश होमलैंड की डिमांड की। वर्ल्ड वॉर वन में फाइनली ऑटोमन्स का अंत हुआ जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टाइन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दिया, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ये रीजन काफी अनस्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। दरअसल इसका मेन रीजन था 1922 में लीग ऑफ नेशंस के ज्यूइश होमलैंड को सपोर्ट करना जिसके बाद ही बड़ी संख्या में ज्यूइश का इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया।
दोस्तों 20th सेंचुरी में जब हिटलर ने ऑर्गेनाइज्ड एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट कर लाखों ज्यूज को गैस चैम्बर में झोंक दिया तो ये इमिग्रेशन और ज्यूइश होमलैंड की डिमांड और जोर पकड़ने लगी। 1922 से 1948 के बीच जेरूसलम की पॉपुलेशन 52,000 से बढ़कर 1,65,000 तक पहुंच गई, जिसमें 2/3 ज्यूज और 1/3 अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे राइट्स भी हुए। बाद में कुछ ज्यूइश मिलिशिया भी बने जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ब्रिटिशर्स के ज्यूइश इमिग्रेशन पर बैन से नाराज थे और इन ज्यूइश मिलिशियाज ने ब्रिटिशर्स पर भी अटैक्स किए। लेकिन दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट में नया टर्न 29 नवंबर 1947 को तब आया जब यूएन जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान को अप्रूव कर दिया और पैलेस्टाइन को ज्यूज और अरब्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया गया, लेकिन इसराइल के क्रिएशन के बाद फर्स्ट अरब इसराइल वॉर में वेस्टर्न जेरूसलम इसराइल के कंट्रोल में और ईस्टर्न जेरूसलम जॉर्डन के पास चला गया और इस वॉर में लगभग 7,60,000 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक, गाजा और नेबरिंग अरब कंट्रीज में इमिग्रेट कर गए, जो आज भी काफी खराब कंडीशन में रहते हैं। बाद में 1967 में हुए 6-day वॉर में इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया और आज ईस्ट जेरूसलम इसराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि इस ईस्ट जेरूसलम में टेंपल माउंट भी है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए तब से जेरूसलम एक इंटरनेशनल इशू बन के रह गया है और यहाँ पर समय समय पर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों फिलिस्तीन से मानते हैं कि जेरूसलम पर इसराइल का कब्जा ही इलीगल है, लेकिन इसराइल इसे अपनी ऑफिशियल कैपिटल बताता है। आपको बता दें कि यूएसए ने 2017 में जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसके चलते फिलिस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशंस और पैलेस्टाइन सपोर्टर कंट्रीज काफी ज्यादा नाराज हुए। देखा जाए तो 1967 में ईस्ट जेरूसलम के ऑक्यूपेशन के बाद हुई एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि टेंपल माउंट का रिलीजियस कंट्रोल मुस्लिम्स के पास और ओवरऑल सोवरेनिटी इसराइल के पास होगी। दोस्तों इस अरेंजमेंट में ये भी डिसाइड हुआ था कि टेंपल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स को है, जबकि ज्यूज सिर्फ वेस्टर्न वॉल में प्रे कर सकते हैं। ये वेस्टर्न वॉल यहाँ पर इकलौता ज्यूज का रिलीजियस अवशेष है जो ट्रेडिशनली टेंपल माउंट के चारों ओर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के टेंपल्स को पहले बेबीलोनियंस और बाद में रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ इस इनक्लोजिंग वॉल का वेस्टर्न पार्ट ही रह गया है। दूसरे अरेंजमेंट ने मुस्लिम्स और ज्यूज दोनों के कंजर्वेटिव ग्रुप्स को काफी हर्ट किया और करंट सिचुएशन ये है कि ज्यूज चाहते हैं कि उन्हें टेंपल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने की परमिशन मिले, जबकि मुस्लिम चाहते हैं कि इसराइल जेरूसलम को छोड़ दे। दोस्तों इसी स्टैंड ऑफ के चलते इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं। जेरूसलम शहर एक ऐसा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है जिसके कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर को इम्पैक्ट किया। कई सारे एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस यहाँ पर राइज हुए और खत्म हो गए, लेकिन टेंपल माउंट को लेकर झगड़ा आज भी जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक बड़ी वजह इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेज का अल अक्सा मॉस्क में वायलेंट एक्शन भी बताया जा रहा है। दरअसल अप्रैल 2023 में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज अल अक्सा मॉस्क में घुस गई थी और कुछ लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया था, फिर इसका इस्लामिक कंट्रीज और पैलेस्टाइन ने काफी विरोध किया। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद हमास का कहना है कि उसने अटैक अल अक्सा मॉस्क के ऑनर के लिए किया है। दोस्तों आपको बता दें कि हमास का पूरा नाम हरकत अल मुअक्कम अल इस्लामी है। हमास पैलेस्टाइन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। दोस्तों हमास का मकसद इसराइल को हराकर उन इलाकों पर कब्जा करना है जिन पर सालों पहले हुए वॉर में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। हमास को कई कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर रखा है। वह दूसरी ओर इसराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुआ अटैक इसराइल के लिए 9/11 है और ये अटैक करके हमास ने लास्ट मिस्टेक कर दी है। दोस्तों फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट कहां पर जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में हो रहे जियोपॉलिटिकल चर्निंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। खैर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स एक कंसेंसस के तहत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों आप किस मुद्दे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।